कॉल है, पीछे पीछे कॉल है, कॉलिंग हो रही है सांबर की, पीछे ले रहा हूँ गाड़ी एक बार। यार 100% टाइगर है, सांबर ने कॉल किया है अभी। मैंने नज़र रखी हुई है हर तरफ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉलिंग देखो आई तो यहीं से थी। मोर दिख भी रहा है। हाँ, मोर देख रहा है, कहाँ किधर को देख रहा है मोर? उधर उधर उस तरफ, फॉरेस्ट वाले ना आ जाए। किधर को? इधर है इस तरफ। इधर ही है। सांभर भी कर रहा है दोनों का, 100% किया, 100% बैठ जाए, बैठ जाए। ये लैंडस्लाइड हुआ है कल, अभी तो इन्होंने रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन लैंडस्लाइड से ये देखो पूरा मलबा जो है ना नीचे आ गया था। ये रोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन मलबा इस रोड के ऊपर आ गया था, इसलिए कीचड़ आपको दिख रहा है। इस जगह पे क्या है कि मिट्टी बह के आई हुई है लेफ्ट साइड से राइट साइड में, इस कारण से यहाँ पे ये मिट्टी आ गया है सड़क पे। आगे एक और जगह है जो इसी तरह का है, वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। अच्छा, ये वही जगह है जहाँ पे वो टाइग्रेस वाला जो वीडियो आया था। हाँ, अच्छा अच्छा ओके। आपने और मिस हो गया हमसे क्या? एक जगह पेड़ पे टाइगर ने क्लॉ मार्किंग कर रखी है पूरी। ऐसा कोई जगह हुआ ना तो आप बता देना मेरे को। हाँ। और नीचे भी जाके ना एक बार रुकना 2 मिनट के लिए। हाँ, रुकेंगे हम। हाँ ना, रुकना 1 मिनट के लिए। पीछे कॉल है, कॉलिंग हो रही है सांबर की, पीछे ले रहा हूँ गाड़ी एक बार। टाइगर है इधर आसपास। अरे ये तो कोई कोई आवाज़ करते सुन रहा है। टाइगर है आसपास। यार 100% टाइगर है, सांबर ने कॉल किया है अभी, क्लियर आवाज़ आई है। जो पानी वाला हमने क्रॉस किया ना उसके बाद आवाज आई है, 100% है टाइगर।
मैंने नज़र रखी हुई है हर तरफ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉलिंग देखो आई तो यहीं से थी। कुछ है यहाँ पे जो रिकॉर्ड हो रहा है, पिकॉक है, पिकॉक है, पिकॉक है, पिकॉक है, और ये नीचे ज़मीन पे चल रहा है। कॉल तो हो रही है, कॉल तो हो रही है, कॉल तो हो रही है। Wear your seatbelts for a safe drive. कॉल 100% कॉल है। मोर भी कर रहा है, मोर कर रहा है, मोर दिख भी रहा है। हाँ, मोर देख रहा है, कहाँ किधर को देख रहा है मोर? उधर उधर उस तरफ फॉरेस्ट वाले ना आ जाए। किधर को? इधर है इस तरफ। अच्छा, इधर ही है। सांभर भी कर रहा है, दोनों कर रहा है 100% किया, 100% है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कॉक तो बोल ही रहा है। सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है ना, ये गांव वाले जो घास काटने निकलते हैं ना, ये खुद भी खतरे में रहते हैं और ख़तरा पैदा भी करते हैं। आगे कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे बाइक्स में, अच्छा नॉर्मल बाइकर्स हैं। हम लोग वो जो सीतापनी का जो गेट है, पुलिस चौकी है, वहाँ पे बस पहुँचने ही वाले हैं उस जगह पर। दायराबाद से साकेत जी जो हैं वो हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, उनकी गाड़ी सबसे आगे चल रही है। आगे जो आप नेक्सॉन देख रहे हैं वो भी उन्हीं के गेस्ट हैं, हमारे साथ ही रुके हुए थे। ये वो चौकी हम क्रॉस कर रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। रात में ये गेट जो है वो बंद रहता है। मैं पहुंच गया हूँ रामनगर, रामनगर बैराज में पहुंच गया हूँ। अब इधर से ये रामनगर की तरफ जा रहे हैं साकेत जी, और मैं अभी किसी दूसरे लोकेशन जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ अभी तुरंत आपको डिस्क्लोज करता हूँ, कि वही डिस्कशन है मेरा अभी चल रहा था सर के साथ। तो अब मिलेंगे इनसे दोबारा, कब मिलेंगे सर? आप जब चाहो जल्दी, आपका है जब भी आ जल्दी मिलेंगे। तो दोबारा भी मिलने वाले हैं, और जब भी मिलेंगे आपको मैं पहले बता दूंगा। बहुत ही अच्छा स्टे रहा है इनके साथ, बहुत ही मज़ा आया। मतलब ये पूरा टाइम, हालांकि बारिश के कारण हमारा थोड़ा सा टूर ज़रूर डिस्टर्ब हुआ, और भी कुछ कवर करना था नहीं कर पाए, लेकिन हाँ नेचर के आगे कोई भी कुछ नहीं है। और साकेत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी कोई दूसरा कंटेंट बनाने के लिए हमें साथ में एक बार ज्वाइन करते हैं। आज कर सकते हैं हम, महल वाला, महल वाला, लेकिन रोड ही। आप राजस्थान में आओ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप राजस्थान हो, आपको मैं राजस्थान के जंगल घुमाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, इसका आपने किया नहीं अक्टूबर, हाँ सर, पहले कोई सा महीना मुझे बता देना, 3 दिन लगेगा वो कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग साथ में। अभी आगे का मैं आपको आगे गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, फिलहाल मैं सर को करता हूँ, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय। ये अभी ये कोसी बैराज में मैं करीब करीब 1 घंटे से रुका हुआ था, 1 घंटा 5 मिनट से रुका हुआ था, और डिसाइड कर रहा था कि जाना कहाँ है। कई सारे लोकेशन से, एक दो लोकेशंस और मैंने बात भी की कहाँ पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, लेकिन सारा कुछ, सारे कैलकुलेशंस मिला के ये नज़र आया कि पहाड़ों पे जाना या ऊपर हाइट में जाना ठीक नहीं रहेगा, नीचे जाना चाहिए।
तो नीचे की लोकेशंस मैं देखने लग गया कि भाई नीचे के लोकेशन में कौन सा ठीक रहेगा, कहाँ पर जाना सही रहेगा। तो ओवरऑल सारा मिला के जो कंफर्मेशन हुआ है और जो डिसाइड हुआ है, वो डिसाइड हुआ है मेरा कि मैं राजा जी नेशनल पार्क की तरफ जाऊंगा वापस से, और कॉर्बेट के साथ साथ राजा जी का जो एरिया है वो भी मॉनसून में कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ मुझे लिंक्स मिले हैं जिसके थ्रू मैं राजा जी के जंगल में, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन अंदर भी जाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं राजा जी के जंगल के अंदर भी जाने की कोशिश करूँगा। कुछ अपने कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वहाँ पे पुराने, और मेरी जो वहाँ पे टीम है, सब लोगों ने मिलके हम लोगों ने अभी बात किया है कि ये लोकेशन ठीक रहेगा। तो अभी निकल गया हूँ मैं रामनगर से, जस्ट अभी निकला ही हूँ, आपसे बात करता करता ही निकला था, और देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। करीब करीब 4 घंटे का रास्ता दिख रहा है यहाँ से, और तो हरिद्वार के पास ही है, और 4 घंटे पहुँचते हैं, फिर जैसा जैसा रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा।